जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे जितने भी रील आते हैं वो सब हाइलाइटेड होते हैं, यानी इंस्टाग्राम पे रील की दौड़ चल रही है और वहाँ पे कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो कैमरा से शूट किया जाता है, कुछ रील्स ऐसे होते हैं कि वोकल बेस होते हैं, वहाँ पे कुछ लिख करके या कुछ विजुअल चला करके किया जाता है, यानी एडिट करके उसको अपलोड किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप वोकल बेस का वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं, रील जो रील का प्रॉपर होता है वो कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप कैसे उसको मतलब कि एक अच्छा लुक दे सकते हैं, यानी मोबाइल से ही आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ऐप की आवश्यकता होगी, कोई भी एडिटिंग ऐप आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास पावर डायरेक्टरी है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है आपको। अब यहाँ पे दोस्तों हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो तीन ऑप्शन आते हैं, यानी 60x9, 9x16, 1x1 और 21x9 और 4.5। तो देखिए बेसिकली 60x9 HD हो गया, 1.1 फेसबुक के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये फेसबुक के लिए है 1.1 वाला, यानी वीडियो के लिए, रील्स के लिए नहीं है। ये फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये वीडियो पोस्ट कीजिएगा उसके लिए है। और ये जो 9x16 है, 16x9, 9x16 यानी दो नंबर पे, ये है रील्स के लिए। तो चलिए दो नंबर पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ गया। तो कोई भी हम एक फ़ोटो नहीं लेंगे, हम बोर्ड ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको वोकल बेस वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हम ये कलर मैट ले लेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। तो इस तरह से आने वाले, यानी देख सकते हैं ये जो है इस तरह से फ्रेम बनेगा, यानी 9x16 का है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक वोकल रिकॉर्ड करना है। तो चलिए हम वोकल रिकॉर्ड करेंगे, वोकल है क्या ये रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब रिकॉर्ड करते हैं वोकल। तो रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल दोस्तों यहाँ पे इसको हटा देंगे और इसको हम ऑडियो के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो हम इसको थोड़ा घुमा देंगे। घुमा देने के बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आता है या वीडियो ऑडियो है, क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑडियो यानी म्यूजिक वाला आता है और यहाँ पे देख सकते हैं कोने पे एक माइक का सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पे हम दाब कर रिकॉर्ड करते हैं, तो एक बार दबा देते हैं। दबा देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया है, अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक कोई भी चीज़ आप बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि किस लेयर में करना चाहते हैं, तो कोई भी लेयर डाल सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, लोग कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। लोग कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, लोग कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। शायद लोग हमसे अलग हैं, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो लोगों को समझ में नहीं आता। मैं अकेला मौज मस्त करने वाला इंसान हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना वोकल रिकॉर्ड कर दिया है और चलिए इसको थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर रोटेट कर लेंगे हम,
ताकि मेरा ऑप्शन कुछ अलग आ जाए और दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इसको करने के बाद दोस्तों इसको बैक कर देंगे, क्योंकि अब दोबारा हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम साउंड पे क्लिक करेंगे तो साउंड फुल कर देंगे, यानी 200 कर देंगे ताकि साउंड हमारा कुछ बेटर मिल जाए। और जो भी चाहे वो आप दे सकते हैं, जैसे इको हो गया हो या फिर बहुत सारा चीज़ होता है वो आप दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेन का सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑडियो टूल्स आ गया है, तो देख सकते हैं ऑडियो टूल्स में आप डिनॉइज कर देंगे, डिनॉइज 100 कर देंगे ताकि बाहर का नॉइज जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मिक्सिंग पे खोलेंगे, और मिक्सिंग में देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमको ये अच्छा लगता है तो हम इसको अंदर कर देते हैं। अब रही बात विजुअल की, तो आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं या चाहें तो लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे लेयर पे, और टेक्स्ट आप यहाँ पे ले लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो टेक्स्ट ले लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगेगा। तो सिंपल हमको ये टेक्स्ट अच्छा लगेगा, तो इसको हम रख लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, जो आपको चाहिए वो। और यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो लिखना है, जैसे भी कुछ भी, जैसे हम जो बोले थे उसी को लिख लेते हैं दोस्तों, और लिख करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और इसको सिंपल हम ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा गया है दोस्तों, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, आप देख करके अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टाइप कर लिया है, और टाइप करने के बाद इसको सिंपल अब कुछ नहीं करना है। आप अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो बीच में काट लीजिए, और काट करके फिर दूसरा लिख दीजिए। तो आप एनिमेट भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी लगा सकते हैं, जो चाहे वो लगा सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये लग चुका है बैकग्राउंड वगैरह। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे ऊपर के तरफ एरो का है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोड्यूस एंड शेयर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे फुल HD पे क्लिक करके, और यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये रील वाला फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो आउट हो जाएगा। तो चलिए कुछ टाइम लेगा इसको आउट करने के बाद, हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये बन के तैयार हो गया, अब इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे देखिए, लोग कहते हैं कि मैं कि मैं सबसे अलग सबसे हूँ, अलग हूँ, लोग कहते लोग हैं कहते कि हैं मैं कि मैं सबसे अलग सबसे हूँ, अलग हूँ, शायद शायद लोग हमसे लोग अलग हमसे हैं। अलग हैं। तो दोस्तों आप देख लिए कि कैसे ये रिकॉर्ड हुआ है और बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप चाहते तो आप अपना मतलब कि डिज़ाइन और भी चेंज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। हमने बैकग्राउंड नहीं लगाया है क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं और अपने वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।